Good morning lovely children, how are you? I hope you all are good and doing a great job. Today I am discussing your worksheet number 42. This is your reading campaigning English worksheet. Before starting this worksheet, you have to write down your class with your section A, B, C, D, your name and your teacher's name. And uh, today's worksheet theme is friendship. So let's start your worksheet. Good morning lovely children, how are you doing? I am sure you are enjoying coming to school again. Hello children, how are you? उम्मीद है आप सभी बहुत खुश होंगे और मजे कर रहे होंगे दोबारा स्कूल आकर वी ऑलवेज इंजॉय प्लेइंग विद आवर फ्रेंड्स हम हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलना अच्छा हमें हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगता है टुडे अस रीड एंड फाइंड आउट हाउ अ मंकी एंड एलिफेंट बिकेम बिकेम फ्रेंड्स आज जानते हैं कि एक बंदर और एक हाथी कैसे दोस्त बने ये देखो यहाँ पर एक मंकी और एक एलिफेंट दिख तो रहा है ना देखिए अ मंकी A monkey and an elephant lived near a pond. They would always tease each other. The elephant would splash water on him, and the monkey would get बैक एक बंदर एक हाथी नदी के किनारे तालाब के किनारे रहते थे वो एक दूसरे को हमेशा तंग करते रहते थे जो हाथी था वो पानी फेंक देता था बंदर के ऊपर ताकि जिससे बंदर गीला हो जाता था One day the elephant was hungry. ही कुड स्मेल द स्वीट मैंगोज ग्रोइंग ऑन द ट्री बट ही बट देवर बियड देयर रीच एक दिन हाथी बहुत भूखा था और उसे सेव की सॉरी आम की मीठी मीठी खुशबू आ रही थी जो कि उसके पास वाले पेड़ पर उगे हुए थे लगे हुए थे पर वो उसकी पहुँच से दूर थे द मों की वॉज सिटिंग ऑन द ट्री प्लकिंग द मैंगोज जो बंदर था उसी पेड़ पर बैठा हुआ था और आमों को तोड़ रहा था

थ्री फ्रूट्स के नेम लिखने तो पहला तो मैंगो ही लिख देते हैं एम ओ एन जी ओ मैंगो सेकेंड बनाना थर्ड पपाया इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं ऑरेंज ग्रैप्स जो भी आपको पसंद है ठीक है नेक्स्ट इज विच वन एक्टिविटी विच वन एक्टिविटी डू यू इन्जॉय डूइंग विद योर फ्रेंड शेयर इट विद योर टीचर आप कौन सी एक ऐसा काम है जो अपने दोस्तों के साथ करने में आपको मज़ा आता है तो प्ले करने में हमें मज़ा आता है टॉक करने में भी मज़ा आता है ना बातें करने में भी मज़ा आता है और भी अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप वो अपने लिख कर अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं नाव अब है हमारा टॉक टाइम इस टॉक टाइम में देखो ये यहाँ क्या हो रहा है ये लोग क्या आपस में बातें कर रहे हैं ये आपको शेयर करना है लिखना है और अपने टीचर के साथ शेयर करना है पेरेंट्स आपके लिए सजेशन है कि बच्चों को दूसरों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि उनको जो उनका हेल्पफुल नेचर है वो डेवलप हो सके तो मुझे उम्मीद है आपके लिए बकशीट यूज़फुल रही होगी अगर यूज़फुल रही तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद